दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं लिवगार्ड सोलर इन्वर्टर जो कि 5 KVA का, और ये इन्वर्टर आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये लिवगार्ड कंपनी का एक प्रोफेशनल इन्वर्टर आप इसे कह सकते हैं, जो कि ये 4 बैटरी के सेटअप सब आता है और आप इसमें 4 बैटरी लगा सकते हैं। अब सो ए इन्वर्टर कौन कौन से लोग ले सकते हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो सो ये जो इन्वर्टर है ये आपका एल्युमिनियम बैंडिंग के साथ आता है। कंपनी क्लेम करती है कि 5 साल के इस पे आपको, मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो रिपेयर करने का 5 साल की इसके ऊपर हम वारंटी देते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो इन्वर्टर दोस्तों, ए इन्वर्टर अपने आप में एक बहुत यूनिक इन्वर्टर है, मतलब कि इस इन्वर्टर में आप अगर कम पैनल लगा देते हैं तब भी ये काम करेगा, ज्यादा पैनल लगाते हैं तब भी काम करेगा। मतलब कि इस पैनल में अगर आप अपना जो पैनल है अगर मान लो 2 का या 3 का ग्रुप बना के लगाते हैं तब भी ये चल जाएगा, अगर आप 4 या 5 का ग्रुप बनाते हैं तब भी चल जाएगा। साथ में दोस्तों ये जो इन्वर्टर है ये आप इसमें कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं चार्जिंग का, अगर आपको मान लो कंट्रोलिंग करना है अपने चार्जिंग एम्पियर को सेट करना है सारी चीज़ों को, तो आसानी से आप इसमें कर सकते हैं। दोस्तों ये जो इन्वर्टर है इसमें आपको 10 KVA, 5 KVA, इसके बाद 2 KVA अलग अलग आपको मिल जाएगा। सो ये आपको अगर आप लेते हैं ऑनलाइन से तो आपको एक पड़ जाएगा 50,000 प्लस समथिंग, अगर आप इसको ऑफलाइन ट्राई करते हैं तो आपको ये 45,000 से 46,000 समथिंग आपको मिल जाएगा, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर बढ़िया है तो आपको और कम में दे सकता है। तो सर मैं आपको बता दूं, लिवगार्ड का इन्वर्टर है ये बहुत अलग इन्वर्टर है, मतलब कि इसकी जो बैटरी अगर आप साथ में लगाते हैं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। काफी लोग का दावा यह है कि लिवगार्ड जो कंपनी है क्या हमें सर्विस बढ़िया देती है, इसकी सर्विस कोई शिकायत नहीं है, आप कॉल करोगे तो कस्टमर टीम आपको हमें सपोर्ट करेगी, कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको अच्छे से हेल्प करेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर सवाल है कि क्या ये मोस्फेट वर्जन है या IGBT वर्जन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें आपको IGBT देखने को मिलेगा इस इन्वर्टर के अंदर, जो IGBT होता है काफ़ी पावरफुल होता है और IGBT में आपके लॉसेस प्रॉब्लम कम होते हैं, मतलब कि MOSFET के मुकाबले इसमें बहुत कम लॉसेस प्रॉब्लम होते हैं, साथ में हीटिंग कम होता है, इसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे लोग बोलते हैं कि MOSFET ज़्यादा चलता है, तो मैं आपको बता दूँ अब MOSFET वाले इन्वर्टर आपको बहुत कम मिलेंगे, कंपनियाँ अब IGBT बेस काम कर रही हैं। आपने देखा होगा कि जो इन्वर्टर आ रहे हैं, जैसे मेरा विक्टर प्रो इन्वर्टर है, तो आप देखे होंगे कि वो बूस्टिंग सप्लाई ज़्यादा करती है, तो इस तरह से ए बी इसमें बूस्टिंग सप्लाई ज़्यादा है, आप पैनल लगा दो आपका बूस्टिंग करेगा। लोड कैपेसिटी में आपका जो एम्पियर है आउटपुट है, जो आपका एसी आउटपुट है वो आपका फ्लैक्चुएट नहीं होगा, वो आपको एक अच्छा रिजल्ट सामने लाकर देगा। दोस्तों इस इन्वर्टर में अगर आप चाहोगे तो लिथियम बैटरी भी आप लगा सकते हो, एक अच्छी कंपनी का, कंपनी इस पर बताई तो नहीं है, फिर भी आप इस पर लिथियम बैटरी लगा सकते हो। लिथियम बैटरी लगाने का रिजल्ट ये है कि ए इन्वर्टर से आप कंट्रोलिंग कर सकते हो चार्जिंग सप्लाई को, और लिथियम को एक मिनिमम पावर दे के आप उसे चार्ज भी कर सकते हो, आपकी बैटरी खराब भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एक सवाल है कि अगर हमें लिवगार्ड इन्वर्टर मिल रहा है और लुमिनस का इन्वर्टर मिल रहा है, प्रो का मिल रहा है, तो हम किस में जाएं? देखो मैं आपको बता दूं, आपके एरिया में किस इन्वर्टर का सेल बढ़िया है आप देख लीजिए, अगर आपको लुमिनस अच्छी लगती है तो आप इसको ले सकते हैं, लिवगार्ड ले सकते हैं, प्रो कोई अपने आप में सब बढ़िया है, कोई शिकायत नहीं है, काम सब सेम ही है, बट आपको कस्टमर सपोर्ट की बात है तो पहले ये आप जांच पड़ताल कर लीजिए। तो ये है इसकी पूरी रियलिटी, आप इसमें 5,000 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं, 550 वाट, 500 वाट, 400 वाट, आप इस पर मतलब कि बड़े से बड़े पैनल लगाएंगे आपका एक अच्छा सपोर्टिंग देगा। ऐसे बैटरी बैंक की बात करें तो 250 एम्पियर तक का बैटरी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका हर टाइप की बैटरी को चार्ज कर लेगा। तो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।